भारत एक ऐसा देश है जहां लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज को पसंद किया जाता है। आज भी बच्चे अपने माता पिता की पसंद से ही शादी करते हैं। लोग चाहे फॉरेन कंट्रीज ही क्यों न चले जाएं, वापस आकर वो अपने पेरेंट्स के द्वारा पसंद किए हुए लड़के या लड़की को अपना पार्टनर बनाते हैं। और यही रीजन है कि बॉलीवुड में जब अरेंज मैरिज से रिलेटेड कोई भी फिल्म आती है तो उसे इंडियन ऑडियंस में खास पसंद किया जाता है। नमस्कार, वेडिंग से जुड़ी ये खास बातें आप सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वेडिंग सीजन में सुने एक से बढ़कर एक किस्से और दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। ज्यादातर अरेंज मैरिज पर बनी फिल्में फैमिली ऑडियंस के नजर को रख कर बनाई जाती है। इतना ही नहीं, अरेंज मैरिज पर बनी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। आज के वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनमें अरेंज मैरिज की खूबसूरती पर बताया गया है। फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे लोगों के बीच शादी के बाद भी प्यार संभव है, साथ ही किस तरह लोग समय के साथ अरेंज मैरिज में भी एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हम दिल दे चुके सनम। यह फिल्म तो आप सभी को याद ही होगी। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम बॉक्स ऑफिस पर गजब का कलेक्शन करती दिखी थी। फिल्म में अरेंज मैरिज को बहुत ज्यादा सेंसिबल दिखाने की कोशिश की गई थी। फिल्म में नंदिनी का किरदार निभा रही ऐश्वर्या राय को समीर यानी सलमान खान से प्यार हो गया था, पर उसकी शादी घर वालों की मर्जी से कहीं दूर जगह कर दी जाती है, जहाँ उसका पति वनराज उसे उसके प्रेमी से मिलवाने भी ले जाता है। इन सब के बीच नंदिनी को अपने पति वनराज से प्यार हो जाता है। फिल्म के आखिर में नंदिनी और वनराज हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं और वहीं समीर अकेला रह जाता है। फिल्म की इस एडिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है नमस्ते लंदन। 2007 में आई फिल्म नमस्ते लंदन भी अरेंज मैरिज पर बनी हुई है। इसमें कैटरीना और अक्षय की एक अलग जोड़ी देखने को मिली थी। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे माता पिता हमेशा बच्चे के लिए सही लाइफ पार्टनर चुनते हैं। फिल्म में जसमीत सिंह का रोल कर रही कैटरीना कैफ के माता पिता उसे इंडिया लेकर आते हैं और उसकी शादी करा देते हैं, पर जसमीत उस शादी को नहीं मानती। फिल्म में आखिर तक जसमीत को भी अपने माता पिता के पसंद से लड़के से प्यार हो जाता है और इस फिल्म में अरेंज मैरिज को अच्छा और सपोर्टिव दिखाने की कोशिश की गई है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है फिल्म विवाह का। अरेंज मैरिज पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में विवाह का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। फिल्म में पूनम नाम की एक अनाथ लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती है। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में प्रेम नाम के लड़के से तय की जाती है। शादी के दो दिन पहले ही पूनम बुरी तरह से आग में जल जाती है। इसके बावजूद भी प्रेम उससे शादी करता है। फिल्म में प्रेम बने शाहिद कपूर में सभी को अपना आइडियल पति नजर आता था। इस फिल्म की स्टोरी इंडियन ऑडियंस में आज भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। तो 2000 में आई फिल्म धड़कन भी अरेंज मैरिज को काफी ब्यूटीफुल तरीके से दिखाते हुए नजर आती है। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह जबरन हुई शादी के बाद भी समय के साथ लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिल्म में देव और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अंजलि की शादी उनके घर वालों की मर्जी से कर दी जाती है। पहले अंजलि अपने पति राम से नफरत करती थी, लेकिन समय के साथ उसे भी अपने माता पिता की पसंद से शादी करने वाले लड़के अच्छे लगने लग जाते हैं। अब हम बात अगर करें हम आपके हैं कौन, तो ये मूवी आज भी लोग देखते हैं काफी दिलचस्प के साथ। सूरज बड़जात्या की निर्देशन में बनी फिल्मों में फैमिली और ड्रामा का मिश्रण तो देखने को हमेशा मिलता ही है। उनकी सबसे खास फिल्म हम आपके हैं कौन भी अरेंज मैरिज पर बनी हुई है। इस फिल्म को देखकर हम सभी को अपने घर पर तय किए जाने वाली शादियों को यादें ताजा हो जाती है। यह फिल्म आज भी टीवी चैनल्स पर बड़े चाव से देखी जाती है और साथ ही अगर हम अपने फैमिली के साथ हों तो इस मूवी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कई अन्य फिल्में भी हैं जिनमें अरेंज मैरिज कपल की कहानियों को दिखाया गया है, जिनमें द नेमसेक, शुभ मंगल सावधान, रोजा और तनुविट्स मेनू जैसी दमदार फिल्में शामिल हैं। आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही वेडिंग से जुड़ी ऐसी ही एक खास डिटेल्स लेकर। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर।